बड़े गुस्से में मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। मैं आज पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाया है मां से भी। शायद इसीलिए किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया मुझे लगा जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एटी से थोड़ा सा खून रिस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आया हुआ था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे पांव में गीला गीला महसूस हुआ। सड़क पर पूरी तरह से पानी बिखरा हुआ था। पांव उठाकर जब देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पहुंचा। पता चला एक घंटे तक कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना जब तक पर्स की ही तलाशी ली जाए। मैंने जब पर्स को खोला एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 रुपये उधार लिए। दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा, उसमें पापा के ऑफिस की किसी हॉबी डे के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी लिखी थी अच्छे जूते पहनना। ओह अच्छे जूते पहनना। पर दूसरे ही पल जब मैंने सोचा पर उनके जूते तो टूटे हुए हैं। मां पिछले 4 महीने से हर पहली को कहती थी नए जूते ले लो और वो हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। मैं अब सब कुछ समझ गया था कि पापा जूते क्यों नहीं लेते थे। अब मैंने जब तीसरी पर्ची निकाली और पढ़ना शुरू किया, पुराना स्कूटर दीजिए एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया, पापा का स्कूटर। ओह मेरी आंखों से आंसू न रुक पाए। मैं रोता रोता घर की ओर भागने लगा। अब पांव में वो कील भी नहीं चुभ रही थी। मैं जब घर पहुंचा तो पापा घर पर नहीं थे, ना ही पापा का स्कूटर घर पर था। मैं समझ गया कि पापा कहां पर होंगे। मैं दौड़ता दौड़ता एजेंसी पहुंचा तो मैंने देखा पापा वहीं पर थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनके कंधे को भिगा दिया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे बड़ा आदमी बनना है वो भी आपके तरीके से। उसी दिन से मुझे पता चला कि बापू एटीएम कार्ड होता है जिसमें पैसे भी ना हो लेकिन एटीएम में रख दो पैसे निकलवा देता है।